नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आज के अंक में हम चर्चा करेंगे भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं के ताज़ा शोध और बंद किताब को पढ़ने की अनोखी तकनीक की। इसके अलावा चर्चा का विषय होगा तेजी से फैलता चिकनगुनिया। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। सामान को हवा और नमी से बचाने पर शोध, वैज्ञानिकों ने विकसित किया नया पैकेजिंग मटेरियल। प्रदूषित पानी को शुद्ध कर इस्तेमाल में लाने का प्रयास, डीबीटी ने की नए प्रोजेक्ट की शुरुआत। अब बंद किताब को भी पढ़ना हुआ संभव, वैज्ञानिकों ने खोजा अनोखा तरीका। और खोज खबर में चर्चा करेंगे चिकनगुनिया के प्रभाव और बचाव की। और अब खबरें विस्तार से। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो या फिर कोई घरेलू सामान, अक्सर पैकेजिंग करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसमें नमी ना आए। इसी कारण सामान की पैकिंग प्लास्टिक से की जाती है। लेकिन कई बार लाख कोशिशों के बाद भी नमी अपना रास्ता खोज ही लेती है और सामान बर्बाद हो जाता है। लेकिन अब भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने अपने शोध के द्वारा ऐसा पैकेजिंग मटेरियल विकसित किया है जिसमें पानी या फिर नमी घुसने की संभावना न के बराबर है। वैज्ञानिकों ने पैकिंग के लिए ग्रेफीन का इस्तेमाल किया है जो कि परीक्षण में भी सफल हुआ है। पेश है ये रिपोर्ट। रेनकोट हो या इलेक्ट्रॉनिक या फिर खाद्य पदार्थों की वाटरप्रूफ पैकिंग, प्लास्टिक का इस्तेमाल जीवन के हर पहलू में किसी न किसी रूप में समाया हुआ है। लेकिन हाल ही में हुए शोध प्लास्टिक के पानी रोकने की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। अध्ययन से पता चला है कि जिस प्लास्टिक को हम जलरोधी मानते हैं उस प्लास्टिक में भी पानी की सूक्ष्म कण प्रवेश कर जाते हैं, फिर वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या दवाएं। पानी के ये सूक्ष्म कण उनकी जिंदगी कम कर देते हैं। लेकिन अब शोधकर्ताओं की टीम ने एक विशेष ग्राफीन इन्फ्यूज्ड पैकेजिंग तैयार किया है जो प्लास्टिक पैकिंग की खामियां दूर करता है। इस पैकेजिंग को भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर के नैनो साइंस और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर प्रवीण सी राममूर्ति और उनकी टीम ने विकसित किया है। नई पैकेजिंग प्लास्टिक के 10 लाख परतों के बराबर पानी रोकने की क्षमता रखती है। इस विशेष पैकेजिंग को तैयार करने के लिए शोधकर्ताओं ने ग्राफीन की एक परत को रासायनिक भाप के साथ संश्लेषित किया और सामान्य मापने की प्रक्रिया के जरिए ग्राफीन को पॉलीमर फिल्म में तब्दील कर दिया। जांच करने पर ग्राफीन पैकेजिंग प्रतिदिन 10^-6 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर से भी कम आर्द्रता के लक्ष्य को पाने में सफल रहा। When we do this type of materials, like for example, for both whether it's an interactive scavenging type of functional groups in a material or a solid shield like graphene embedded polymer sheets, we have observed water vapor transmission rate decreased by million fold. That is, it went down from 10^-1 to 10^-6 and above. So this material can be used for food, electronics and pharmaceutical applications. लंबे समय तक किए गए प्रयोग में ये भी साबित हो गया कि ग्राफीन इन्फ्यूज्ड फिल्म में लपेटे ऑर्गेनिक फोटोवोल्टाइक उपकरण की जिंदगी 1 साल से अधिक है, जबकि बिना ग्राफीन के पॉलीमर में आधे घंटे से भी कम। साफ है कि प्रचलित प्लास्टिक पैकेजिंग की तुलना में GEP के नाम से मशहूर पारदर्शी ग्राफीन एम्बेडेड पॉलीमर अधिक लचीले और जलरोधी विकल्प दे सकते हैं। ये शोध अमेरिकन केमिकल सोसाइटी नैनो जर्नल में प्रकाशित किया गया है। पानी की कमी आज पूरी दुनिया में बनी हुई है।
वहीं शुद्धिकरण के अभाव में हर साल भारी मात्रा में पानी बर्बाद हो जाता है। इसी कड़ी में प्रदूषित पानी को शुद्ध कर फिर से इस्तेमाल करने की दिशा में कदम उठाते हुए जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने नीदरलैंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के साथ मिलकर एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली के बारापुला नाले के पास प्रयोगशाला स्थापित कर प्रयोग और परीक्षण किए जाएंगे और नतीजों के आधार पर पानी के शुद्धिकरण के उपाय खोजे जाएंगे। पानी की कमी या गंदा पानी, देश में पानी से जुड़ी ये दो समस्याएं लोगों की जिंदगी पर काफी असर डालती हैं। दूसरी ओर हर साल काफी पानी बर्बाद हो जाता है। बर्बाद जाने वाले इसी पानी का सही प्रबंधन किया जाए तो पानी से जुड़ी समस्याओं पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। अब गंदे पानी के प्रबंधन और साफ पानी के दोबारा इस्तेमाल की दिशा में एक नई पहल की गई है, जिसके लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने दिल्ली के बारापुला नाले को चुना है। इस योजना का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज स्ट्रीम्स फॉर हेल्दी रीयूज या लोटस, जिसमें पानी को साफ कर दोबारा इस्तेमाल लायक बनाने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। ये योजना जैव प्रौद्योगिकी विभाग DDA और नेदरलैंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन का संयुक्त उपक्रम है। औपचारिक रूप से दिल्ली में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 8 सितंबर को हुई। एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ खड़ा कर रहे हैं रिसर्चर्स के साथ, ताकि इस हालत के लिए कौन सी बहुत बढ़िया प्लांट है वो हम तय कर सकें। उसके बाद इसको कई और जगह लगाएंगे, स्केल करेंगे। एक बड़ा प्लांट के बजाय बहुत छोटे छोटे प्लांट लगाएंगे और इससे नदी को साफ करने के लिए उम्मीद है हम, क्योंकि इसमें काफ़ी बायोटेक्नोलॉजी आती है, किस तरह की अंदर आती है, कितनी बैक्टीरिया है और डिजीज़ है, और बाहर जब आती है कैसे साफ होती है। तो ये कोलैबोरेशन है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी। इससे पहले दो दिन का वर्कशॉप चला, जिसमें नेदरलैंड के वैज्ञानिकों ने पूरे प्रोजेक्ट की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया। दिस प्रोजेक्ट इज एम टू डेवलप इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर, एंड the technology that once will be developed will be put to practice by setting up a decentralized STPs all along the Barapula drain. The outcome of this project would be an innovative technology which is available indigenously, less expensive, easy to operate, and produce a valuable byproducts. And this is the first of its kind. इस प्रोजेक्ट में डच और भारत के संयुक्त उपक्रम में एक नुमाइश प्लांट लगाया जाएगा। DBT और DDA प्रयोग के लिए बारापुला नाले के पास जमीन मुहैया कराएंगे, जहां जांच प्रयोगशाला और पायलट प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस पायलट प्लांट से मिले डेटा का इस्तेमाल कम कीमत में स्थानीय स्तर पर पानी की समस्या निपटाने के उपायों और भारतीय परिवेश के मुताबिक डच तकनीकी को ढालने के लिए किया जाएगा। आगे चलकर इस तकनीकी को दोबारा इस्तेमाल के लिए पानी साफ करने, खेती के लिए खाद और ऊर्जा पैदा करने के लिए किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए नेदरलैंड और भारत दोनों में से हर एक करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। किताबें तो आप सबने पढ़ी होंगी, लेकिन क्या कभी बिना पेज पलटे किताब पढ़ने के बारे में आपने सोचा है? नहीं तो अब ये संभव हो गया है। जी हाँ, MIT यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके द्वारा बिना किताब खोले ही इसके अंदर के पन्नों को पढ़ा जा सकता है। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पहले किसी लेख की कॉपी बनानी होती थी तो हाथ से लिखना ही इकलौता तरीका था। टाइपराइटर आने के बाद लिखने के बजाय टाइपिंग होने लगी। फिर जेरोक्स मशीनें आईं और फिलहाल जमाना चल रहा है स्कैनर्स का। लेकिन तकनीकी का सफर यहीं नहीं रुका है। नई तकनीकी से आप बंद किताबें भी पढ़ सकते हैं। इस एल्गोरिदम को विकसित किया है शोधकर्ताओं की एक टीम ने, जिसमें MIT में भारतीय मूल के वैज्ञानिक भी शामिल हैं।
इनके अलावा जॉर्जिया टेक के वैज्ञानिक इस टीम के सदस्य हैं। इस एल्गोरिथम में दो शब्दों के बीच खाली जगह, वर्णक्रम की तुलना और मौजूदा इमेजिंग तकनीकी में रुकावटों की समस्याओं को दूर किया गया है, जिससे पुस्तक के पहले 9 पन्नों के सभी शब्द आसानी से पढ़े जा सकें। पहले MIT के शोधकर्ताओं ने पन्ने से इमेज हासिल करने की तकनीकी विकसित की, जिसके बाद जॉर्जिया टेक के शोधकर्ताओं ने अलग अलग रूप से हर इमेज को शब्दों में बदलने की प्रक्रिया पूरी की। ये एल्गोरिदम स्पेशल टेराहर्ट्ज़ रेडिएशन पर आधारित है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इंफ्रारेड लाइट का समन्वय है। One of the applications is studying or doing inspection on antique documents. It's like an ancient book or whatever, and you cannot even touch it to open it and see what's inside. You can get some information about the layers with X-ray, but you cannot get information about the content, like what is written in this book. ये पुस्तक को खोले बिना पन्नों में प्रवेश कर सकता है और उसकी लिखावट को दर्ज कर सकता है। इस तकनीकी में जिस कैमरे का इस्तेमाल होता है वो बेहद छोटे रेडिएशन की धार छोड़ता है, जो पुस्तक में 20 माइक्रोमीटर तक जाती है और इसके इमेज को रिकॉर्ड करती है। टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ग्रहण करने की क्षमता और रोशनी के मुड़ने की क्षमता के बीच फर्क के जरिए ये एल्गोरिथम में लिंक और पन्नों के बीच फर्क बताता है। छोड़े गए और वापस आए रेडिएशन को खास किस्म के सेंसर रिकॉर्ड करते हैं और उसे लिखावट में परिवर्तित करते हैं। हालांकि ये तकनीकी अभी शुरुआती दौर में है, इस तकनीकी को और विकसित करने के लिए शोध जारी है, ताकि प्राचीन पुस्तकों का अध्ययन किया जा सके। इसके अलावा कोटिंग और फार्मास्यूटिकल्स के मशीनी हिस्से को भी इस तकनीकी के जरिए पढ़ा जा सकता है। ये शोध नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में चल रही वैज्ञानिक हलचलों को जानने के लिए आइए नजर डालते हैं साइंस एक्सप्रेस पर। शोध पर आधारित महत्वपूर्ण संस्थानों के ढांचे को बेहतर बनाने के लिए सरकार जल्द ही एक उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी का गठन करेगी। हाल में मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बारे में बताया। टुडे कैबिनेट डिसाइडेड टू गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पुश फॉर मोर रिसर्च एंड इनोवेशन इन हायर लर्निंग सेंटर्स लाइक IITs, IIMs एंड NITs। सो वी विल हैव a very good formula where only best institutes, better institutes who can work as mentor will be assisted to create their own infrastructure also and mentoring facility also, and 100 institutes of these backward states will be financed। फैसले के मुताबिक सरकार सीधे संस्थान के अकाउंट में पैसे जमा करेगी। रिसर्च और शोध को बढ़ावा देने के लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा सरकार ने कम आमदनी वाले राज्यों के 100 संस्थाओं को तकनीकी विकास के लिए फंड मुहैया कराने का फैसला किया है, जो बदले में राज्य संचालित 100 संस्थाओं को मदद पहुंचाएंगे। नासा के ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2016 अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है। डेटा के मुताबिक अगस्त 2016 ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 1880 में रिकॉर्ड दर्ज करना शुरू करने के बाद से अब तक 136 सालों का सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया है। दुनिया भर के तापमान का मासिक अध्ययन करने वाले नासा के गॉडार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस स्टडीज के मुताबिक पिछला महीना अगस्त महीने में अब तक के सबसे गर्म साल 2014 की तुलना में 0.16 डिग्री सेल्सियस अधिक था। तापमान के मासिक अध्ययन के लिए दुनिया भर के मौसम विभागों, जहाज,
समुद्र में लगे उपकरणों और अंटार्कटिक में लगे उपकरणों की मदद से डेटा तैयार किया जाता है। मंगल ग्रह के मरे बट्स इलाके में निचले पहाड़ी इलाकों में शोध कर रहा स्पेस प्रोब क्यूरियोसिटी विचित्र लेकिन दर्शनीय चट्टान जैसी आकृति से टकरा गया है। स्पेस प्रोब खुदाई के जरिए पत्थर के नमूने इकट्ठा कर रहा है ताकि बालू के वैसे पुराने टीलों का गहराई से अध्ययन किया जा सके जो कई भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अब चट्टान बन चुके हैं। मिशन टीम निकट भविष्य में इस जगह से कई विशाल और रंगीन मोजाक नुमा आकृति के सैंपल इकट्ठा करने की योजना बना रही है। आकाशीय पिंड की ताजा खोज में शोधकर्ताओं ने दुनिया भर में शायद अब तक का विशालतम उल्का पिंड खोज निकाला है। करीब 30,800 किलोग्राम का ये उल्का पिंड अर्जेंटीना के पैम्पो डेल सियेलो में पाया गया है जो अर्जेंटीना में उल्का पिंडों के टकराने का मशहूर इलाका है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये उल्का पिंड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उल्का पिंड है। अंतिम नतीजे पर पहुंचने के लिए कुछ और जांच नतीजों का इंतजार है। कई दिन तक बुखार होना, शरीर में दर्द या फिर चक्कर आना, ये सभी लक्षण हैं चिकनगुनिया के, जो आजकल तेजी से फैल रहा है। सामान्य बुखार से शुरू होने वाली ये बीमारी अब लोगों की जान भी लेने लगी है। चिकनगुनिया मुख्य रूप से एडीज एजिप्टी मच्छरों के काटने से होता है और अक्सर लोग डेंगू और चिकनगुनिया के बीच अंतर नहीं कर पाते, लेकिन अगर समय रहते सावधानी बरती जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो आज के अपने सेगमेंट खोज खबर में चर्चा करेंगे इसी विषय पर और जानेंगे चिकनगुनिया के प्रभाव और इससे बचाव के उपायों के बारे में। पिछले सालों की तरह इस मॉनसून में भी मच्छरों का कहर जारी है। चिकनगुनिया से मरने वाले मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है जो खास किस्म के मच्छरों के काटने से फैलती है। इसके लक्षण काफी कुछ डेंगू से मिलते जुलते हैं। खास किस्म के मच्छरों से होने वाली ये बीमारी सबसे पहले 1952 में दक्षिणी तंजानिया में फैली थी। दरअसल चिकनगुनिया शब्द निकला है दक्षिणी तंजानिया और उत्तरी मोजाम्बिक में बोली जाने वाली किमाकोंडे भाषा से, जिसका अर्थ है विकृत। इस शब्द का अर्थ खुद ब खुद बीमारी का लक्षण बताता है। अचानक तेज बुखार, सिर में दर्द, कपकपी होना, नाक बहना, उल्टियां होना, त्वचा पर दाने पड़ना और थकान के साथ जोड़ों में तेज दर्द चिकनगुनिया के लक्षण हैं। कुछ मरीजों के जोड़ों के दर्द महीनों और सालों तक रहते हैं। देयर इज नो नीड टू गेट पैनिक और हमको जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें चिकनगुनिया में तो विशेष करके सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट देना है। तो सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट के दृष्टि से पेन जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं उसके लिए जो दवाई डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं वो लेना है और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड्स कंज्यूम करना है। बीमारी का संक्रमण चिकनगुनिया वायरस के जरिए फैलता है जिसे फैलाने में मच्छरों की दो प्रजातियां एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस जिम्मेदार होती हैं। बीमारी से ग्रस्त मरीज को काटने के बाद जब ये मच्छर दूसरों को काटते हैं तो वो भी बीमार पड़ जाता है। मतलब साफ है कि सिर्फ मरीज के साथ रहने से बीमारी का वायरस नहीं फैलता। एडीज एजिप्टी मच्छर दिन के वक्त काटते हैं। इनका निवास टायर, नारियल के छिलके, गमले, बर्तन और कूलर जैसी जगहों पर गंदे पानी में होता है। चिकनगुनिया वायरस 1 से 12 दिनों के भीतर अपना असर दिखाता है। वायरस ग्रस्त मच्छर के काटने के बाद 4 से 8 दिनों में बीमारी के लक्षण सामने आने लगते हैं। चिकनगुनिया का कहर हर साल देखने को मिलता है लेकिन इस बीमारी के पूरे घटना चक्र के बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। सबसे खतरनाक बात यह है
कि चिकनगुनिया, डेंगू और जीका तीनों बीमारियां एक ही प्रकार के मच्छरों के काटने से फैलती हैं। अचानक तेज बुखार होना और त्वचा में चकत्ते पड़ना तीनों बीमारियों के लक्षण हैं। इस स्थिति में खुद अपना इलाज करने से बचना और मेडिकल जांच से सही बीमारी का पता लगाना बेहद जरूरी है। चिकनगुनिया की जानकारी सेरोलॉजिकल जांच से ही लग सकती है, ताकि खून में एंटीबॉडीज का पता लग सके। इलाज की दिशा में रिसर्च अब भी जारी है, लेकिन अब तक इस बीमारी के इलाज के लिए कोई खास दवा या वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है। इलाज का मुख्य केंद्र बीमारी के लक्षणों से जूझना होता है, लेकिन एक बार चिकनगुनिया का शिकार होने के बाद मरीज भविष्य में इसके संक्रमण से बचे रहने की उम्मीद कर सकते हैं। सबसे ज्यादा खतरा नवजातों, उच्च रक्तचाप, मधुमेह या दिल की बीमारी से ग्रस्त वयस्कों को रहता है, क्योंकि संक्रमण की वजह से आंख, दिमागी और दिल से जुड़ी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। चिकनगुनिया होने पर कुछ सामान्य नियमों का पालन जरूरी है। ये हैं: शरीर को पूरा आराम देना, शरीर में पानी की कमी रोकने के लिए तरल पेय लेना, हाथों पैरों को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनना, मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करना, एस्पिरिन और दूसरी स्टेरॉइड वाली दवाओं से दूर रहना, पानी वाले बर्तनों को सूखा रखना ताकि मच्छर ना पनपे, मरीज को मच्छरों से बचाना ताकि बीमारी का वायरस ना फैले, और सबसे जरूरी बात ये कि कोई भी दवा डॉक्टर के निर्देश के मुताबिक ही लेना। थोड़ी सी सावधानी बरतकर चिकनगुनिया को फैलने से आसानी से रोका जा सकता है। आइए इस बीमारी को दूर कर सेहतमंद दुनिया बनाने में हाथ बटाएं। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का ये एपिसोड भी जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीकी ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।